हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम पीवीक्यू एनालिसिस सीरीज के 2017 वाले क्वेश्चन पेपर पे हैं। ये जो सीरीज है रेलेवेंट रहेगी चाहे आप पीयूएलबी थ्री ईयर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं चाहे फाइव ईयर की कर रहे हैं। एज यूजुअल मेरा आपसे सजेशन रहेगा, प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आपके इस साल के एग्जामिनेशन के लिए आपकी हेल्प हो सके। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सेकंड टाइम बाय द पार्लियामेंट फॉर हिज असेंट, अगर प्रेसिडेंट को एक बार हाउस बिल पास करके भेजता है तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर एक बार उन्होंने रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज दिया लेकिन उसके बाद भी हाउस ने उसको पास करके भेज दिया, तो एट दैट मोमेंट इन द सेकंड टाइम द प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। तो ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज इनकरेक्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? पहला देखते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, ये गलत है, उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है कोई, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ये बिल्कुल भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन आज की डेट में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी स्टैट्यूटरी नहीं है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है। अब आगे चलते हैं। इन डाउरी केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? देखिए, एक प्रोसिक्यूटर होता है और एक एक्यूज्ड होता है। जो प्रोसिक्यूटर होता है he has the burden of proof to prove that A or the accused has committed a crime. तो normal cases में हमने देखा होगा जो burden of proof होता है वो prosecution पे होता है, लेकिन कुछ cases में जो burden of proof है वो shift हो जाता है accused के ऊपर। तो जो dowry cases हैं वो वैसे ही case है एक, जहाँ पे जो burden of proof है वो accused पे लाया करता है। आगे चलते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट, ये करंट अफेयर का सवाल है तो आज के लिए हमारे रेलेवेंट नहीं है। आगे चलते हैं। महाभारत हैज बीन रिटन बाय, महाभारत किसकी लिखी गई है? वो महर्षि वेद व्यास की लिखी गई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। गाउट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, गाउट जो डिजीज है वो बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? वो करता है बोन्स, जॉइंट्स ऑफ बोन्स। Which of the scientific instrument is used to measure quantity of heat? Quantity of heat measure करने के लिए कौन सा instrument इस्तेमाल किया जाता है? Calorimeter use किया जाता है। Who represented India in ICJ for Kulbhushan Yadav? International Court of Justice में Kulbhushan Yadav का case किसने represent किया? वो किया था advocate Harish Salve ने। He's a very famous advocate, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। Who was the spiritual guru of Swami Vivekananda? Swami Vivekananda जी के spiritual guru कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। Famous Brihadeshwar Temple at Tanjore, ये काफ़ी important temple है, आपको उसका नाम याद रखना है। Brihadeshwar Temple जो है Tanjore में है, ये किसने बनाया था? ये राजा चोला ने बनाया था। Moving on, मधुकर गुप्ता कमेटी submitted its report on, ये मधुकर गुप्ता कमेटी ने उस साल रिपोर्ट दी थी, तो इसीलिए करंट अफेयर का पार्ट है। तो आपको अगर डेट नहीं भी याद है तो इट्स नॉट अ टॉपिक टू बी वरीड अबाउट, ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज के साल में करंट अफेयर का कुछ और सवाल बनेगा, ऐसा सवाल नहीं बन सकता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लॉन्च्ड इनॉग्रेटेड ऑन April 14, 2016, अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट बायो सी एन जी फ्यूल प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस साल इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें ये तो याद रहना ही चाहिए कि फर्स्ट बायो सी एन जी फ्यूल प्लांट कहाँ था, ये था पुणे में। आगे चलते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रेड सिंधी ब्रीड ऑफ इंडियन काउ, रेड सिंधी एक इंडियन काउ की ब्रीड है, वो कौन सी स्टेट में मिलती है? वो आंध्र प्रदेश में मिलती है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर थे लाला लाजपत राय। हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। इफ इट इज़ फॉल्स दैट एनिमल्स आर सेल्डम अग्रेसिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेज द सेम मीनिंग। एनिमल्स आर सेल्डम अग्रेसिव का मतलब है कि वो कभी कभी अग्रेसिव, वो कभी ज़्यादातर ज़्यादा तौर पर अग्रेसिव नहीं होते। सेल्डम का मतलब होता है ज़्यादा ना होना,
या कम क्षमता में होना। तो एनिमल्स आर सेल्डम अग्रेसिव के कभी कभार ही वो अग्रेसिव होते हैं। तो ऐसा ही सेम चीज़ कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये बोल रहा है दैट सम एनिमल्स आर अग्रेसिव, तो सी इज द राइट आंसर। प्रोराटा मीन्स, प्रोराटा का मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। कूडेटे बोला जाता है जब एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो बाय फोर्स, जैसे कि आर्मी किसी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले, मान लीजिए कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और मिलिट्री कू करके उसको टेक ओवर किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था या होता रहता है, तो वो उसको बोलते हैं हम कूडेटे। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग सही है, ये अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है। ए आंसर इज द राइट, कंप्लेनेंट के जो स्पेलिंग है ए वाले ठीक हैं। इसमें से कौन से सही स्पेलिंग्स हैं, वो हैं डिसीज्ड के डी। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू ओबिस्कियस, ये पहले भी पेपर में आ चुका है, देखिए रिपीट होते हैं सवाल। तो ओबिस्कियस होता है हु इज ओल्ड और सिनाइल और ओबीडियंट, ये ओबिस्कियस के सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो इसमें से जो सिनाइल शब्द है वो सिमिलर मीनिंग है ओबिस्कियस का। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है, दो तरह की कस्टडी होती है, एक होती है जुडिशियल और एक होती है पुलिस कस्टडी, ठीक है। जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें जेल में भेजा जाता है, पुलिस कस्टडी में लॉकअप में रखा जाता है। आगे चलते हैं, इट इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, इट वॉज अ डैश टू बिहोल्ड, ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, हम यूज करते रहते हैं, इट वॉज अ साइट टू बिहोल्ड, तो ए इज द राइट आंसर। अ प्रूडेंट पर्सन अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आगे चलते हैं। शाम इज स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, सी इज द राइट आंसर। द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड, डी इज द राइट आंसर। हमें इसमें से इन्फ्रेंस ड्रॉ करके लिखना है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है मैनी स्मोकर्स सफर फ्रॉम कैंसर, इसका इन्फ्रेंस क्या निकाला जा सकता है, स्मोकिंग मे लीड टू कैंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, पहले 8 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 34 है। अगर हम इसको देखें, 8 के बाद जो 2 का डिफरेंस है, फिर 6 आता है, फिर क्या आता है, 18 आ रहा है डिफरेंस। तो हम देखें तो 3 के मल्टीपल पे हैं ये, सो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो अगर हम 54 इसमें ऐड करें तो 88 इज़ द आंसर। आगे चलते हैं, पिक आउट द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन द अदर्स। पीसो एक करेंसी है, दिनार एक करेंसी है, यूरो एक करेंसी है, लेकिन गोल्ड एक करेंसी नहीं है, सो इट इज द ऑड वन आउट। क्लाउड एज टू रेन एज थंडर इज टू लाइटनिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है। तो ओ पी क्यू आर, तो एक एक जो अल्फाबेट है वो बढ़ रहा है, तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे डी के बाद ई आएगा, एम के बाद एन आएगा, एस के बाद टी आएगा, डी के बाद ई आएगा, सो ए एंटर्ड वाला हमारा जो कोड बन गया। पॉइंटिंग टू द मैन, ये फैमिली रिलेशन ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। सीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना पीछे से शुरू किया कीजिए आप, जैसे वाइफ ऑफ माय हस्बैंड कौन होगी, वो खुद हो गई, डॉटर उनकी, तो वाइफ की डॉटर होगी उनकी खुद की डॉटर, और डॉटर का भाई हो गया उनका खुद का बेटा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सन। जेड एक्स टी एन, यहाँ पे अगर हम देखें एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वन का है, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, 3 का है, यहाँ पे सिमिलरली 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस 7 का होगा, और 7 इनके इसके बीच में जो 7 अल्फाबेट्स आएंगे तो उसके सामने क्या आएगा, F, तो B इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस कंप्राइज ऑफ वन मोर स्टेटमेंट, प्लीज आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट, प्लीज मेक द फैक्चुअल अजम्पशन रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन इवन इफ यू बिलीव द स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखते हैं, वेयर देयर इज अ पॉवर्टी देर आर ऑलवेज क्राइम, ये स्टेटमेंट है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट को ट्रू मान के चले, तो कौन सी स्टेटमेंट इसको फॉल्स दिखा सकती है। उन्होंने बोला है कि जहाँ पे गरीबी होगी वहाँ पे क्राइम होगा ही होगा, लेकिन बी अगर हम ऑप्शन देखें कि भूटान गरीबी में है, पुअर कंट्री है,
लेकिन वहाँ पे क्राइम नहीं है। तो जो बी वाली स्टेटमेंट है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या फॉल्स प्रूफ कर रही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट है, पीपल हु रीड न्यूज़ मैगजीन्स डू नॉट लाइक टू रीड फिक्शन। जो लोग न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ते हैं उनको फिक्शन पसंद नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो लोग न्यूज़ मैगजीन नहीं पढ़ते हैं उनको फिक्शन पसंद होगी। तो सुरेश जो है वो न्यूज़ मैगजीन नहीं पढ़ता है, अगर वो न्यूज़ मैगजीन नहीं पढ़ता है तो सुरेश लाइक्स टू रीड फिक्शन। आगे चलते हैं, श्रीनाथ इज द डैश हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। श्रीनाथ इज द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ द फैमिली। इन विच ईयर चार्ल्स द सेकंड ट्रांसफर्ड बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे ट्रांसफर किया था टू ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किया था 1668 में। When was the second law commission constituted? Second law commission constitute किया था 1853 में। ये legal principle है, free legal aid is a right, तो ये हमारा principle हो गया। Factual situation पे इसको लगाते हैं। A lady has to file a suit of maintenance against her husband who is deserting her but does not have resources to engage an advocate. She asks state to engage an advocate at state expenses. तो क्या होगा इसमें, decide क्या होगा, decision क्या आएगा? That state is bound to provide her a lawyer as it is a matter of right. Legal principle देखें क्या है। A person who has attained majority can enter into a contract. जो major एक इंसान है वो contract कर सकता है। Major क्या होता है? 18 and 18+। तो factual situation पे इसको लगाते हैं। A minor sells his house to B and entered into an agreement. एक minor ने अपना घर बेचा और उसके लिए उसने agreement किया और जिसके लिए उसको 20,000 एडवांस मिले। बाद में ही विड्रॉज फ्रॉम अग्रीमेंट सेइंग ही इज़ अ माइनर। फिर वो माइनर बोल के वो कहता है कि अग्रीमेंट उसने विड्रॉ कर लिया। तो इसका क्या, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें लीगल प्रिंसिपल तक ही सीमित रहना है। लीगल प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर मेजर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है। तो ऐसी इसी को हम अप्लाई करेंगे, दैट माइनर्स अग्रीमेंट इज़ वॉइड। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि एडवांस वापस करना है नहीं करना है, क्योंकि अगर अग्रीमेंट ही वॉइड है तो बाकी सारी चीज़ें इरेलीवेंट हैं। तो माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, ही नीड नॉट रिटर्न द एडवांस। तो ए इज द राइट आंसर। ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एनी व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस इज नॉट अ मोटर व्हीकल। तो अगर हम देखें सारे मोटर व्हीकल्स को चेक करना है हमें, मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। एनी व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस इज नॉट अ मोटर व्हीकल, ठीक है। अब इसको हम मान के चलें अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है ठीक होगी? ऑल व्हीकल्स मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोटर व्हीकल्स बोला हुआ है। ऑल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स, ये भी गलत है। व्हीकल्स नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस नीड नॉट हैव अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिनके पास मैकेनिकल डिवाइस नहीं है वो मोटर व्हीकल नहीं है, और जो मोटर व्हीकल नहीं है उनके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मस्ट नहीं है। आगे चलते हैं, लीगल प्रिंसिपल क्या है? लीगल प्रिंसिपल है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कुछ भी ऐसा काम किया हुआ जो राइट टू डिफेंस में है उसको हम ऑफेंस नहीं मानते हैं। इसको हम फैक्चुअल सिचुएशन पे लगाते हैं। आनंद अलॉन्ग विद हिज फ्यू फ्रेंड्स हु हैव सर्टन वेपन्स इन देयर हैंड्स रीचेस श्याम्स हाउस एंड अब्यूजेस हिम। On seeing many boys in an offensive mind, Shyam throws boiling water over Anand's face, due to which Anand's face is burned. तो Shyam ने देखा कि आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ हथियार वगैरह लेके आ रहा है और उसको गाली दे रहा है, उसको अब्यूज कर रहा है। तो उस केस में Shyam ने उसके आनंद के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका फेस जल गया। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि वो अपना प्राइवेट डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो जो Shyam है उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू एक्टिंग इन टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो सी इज द राइट आंसर। लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन्स ऑफ ऑफेंस और डिफेंस बट डू नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स प्योरली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है। बलराम पोजेसिज एन आयरन रॉड, बलराम के आयरन के पास आयरन रॉड है, विच ही कीप्स विद हिम फॉर सेल्फ डिफेंस। अब उन्होंने बोला है कि ये आम है कि नहीं है। आम वो चीज़ नहीं है जो कि प्योरली डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। जो आयरन रोड है ना तो प्योरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होती है ना एग्रीकल्चर यूज़ होती है, तो उसको हम
मान सकते हैं कि वो एक आम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? यस, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पसेस। आगे चलते हैं। एज पर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। डी इज द राइट आंसर। रिट्स कैन बी इशूड, रिट्स कौन कौन इशू कर सकता है? ये बहुत ईजी है, दोनों ही कर सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो डी इज द राइट आंसर। लीगल प्रिंसिपल क्या है? Whoever having a husband or wife living marries again is guilty of bigamy. जिनका स्पाउस लिविंग है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो दोबारा से शादी करते हैं उनके अलाइव रहते हुए, तो उसको हम बाइगमी बोलते हैं। तो रवि और रमा की शादी हुई 1994 में, रमा इल हो गई और वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज़ नहीं निभा पाई। सो उसने कंसेंट दे दिया अपने पति को, रवि को, कि तुम किरण से शादी कर लो। तो इस केस में क्या होगा? जो रवि है वो तब भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि रमा जो है अभी जिंदा है। सो बी इज़ द राइट आंसर। कंसेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आपका स्पाउस जिंदा है और आपसे मैरिड है, तब तक आप शादी दूसरी नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, बिल्कुल है। सो दिस इज़ ट्रू। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज इन इंडिया, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मेल के लिए मिनिमम एज क्या है मैरिज की? 21 और फीमेल के लिए है 18। सो बी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिट एट अदर प्लेसेज अदर देन दिल्ली विद द अप्रूवल ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो चीफ जस्टिस के कहने पे कहीं और बैठ सकता है, CJA के साथ साथ उनको अप्रूवल चाहिए प्रेजिडेंट का भी। तो टेक्निकली इन्होंने ये सवाल ही थोड़ा गलत फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन, ये कुछ अलग टाइप से बनना चाहिए थे, ऐसे बनना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो CJI के कहने के साथ साथ किसके अप्रूवल के साथ वो कहीं और बनाया जा सकता है दिल्ली में। तो उसका आंसर बनता है CJI विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इसको ऐसे भी देख के चलें तो CJI शुड बी द आंसर। इन इंडिया रिकग्निशन टू पोलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाई, रिकग्निशन कौन देता है पोलिटिकल पार्टी को इंडिया में? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है कि लोकसभा में वो एक रेजोल्यूशन पास कर दें टू दैट इफेक्ट। आगे चलते हैं। विच इज़ द पॉपुलरली नोन एज नेशनल एंथम केस? बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला को नेशनल एंथम केस भी बोला जाता है। Who administers oath of office to governor of an Indian state? Governor को कौन oath देता है? उस concerned state के Chief Justice of High Court जो है वो देते हैं। Who is the chairperson of National Human Rights Commission? उस साल का हमारे लिए relevant नहीं है, आज का देखो। Justice अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो present chairperson है National Human Rights Commission के। Right to work in India has been provided under, देखिए ऐसा जो right to work है ना वो नहीं प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका अधिकार नहीं है कि आप वर्क को मांग सको। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में उनका एक प्रोविज़न ज़रूर डाला गया है जो कि आर्टिकल 41 में है। तो अगर आपको मेंशन करना ही है कि राइट टू वर्क मेंशन्ड कहाँ है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बोला गया है। क्या बोला गया है कि आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, तो राइट टू वर्क का अगर कहीं मेंशन है तो आर्टिकल 41 में है, इसके अलावा कहीं ऐसा सच कोई अधिकार नहीं है आपके पास काम मांगने का। आगे चलते हैं। इन इंडिया अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बींग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर, कोई भी एक जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट कब तक रह सकता है बिना MLA रहे हुए? मतलब कि मिनिस्टर एक जो है मिनिस्टर कब तक रह सकते हैं MLA ना रहते हुए? तो वो 6 महीने के अंदर अंदर उनको MLA बनना पड़ेगा, तभी जाके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मिनिस्टर की मिनिस्ट्री की जो पोस्ट है उनकी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 महीने के तक अगर वो काउंसिल अपनी MLA की सीट नहीं लेते हैं तो उनको फिर मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फैमिली लॉ क्या किससे डील करता है? फैमिली लॉ डील करता है मैट्रिमोनियल रिलेशन से।
यही आंसर क्यों सही है, क्योंकि वो मैरिज और डिवोर्स के साथ साथ मेंटेनेंस की भी बात करता है, चाइल्ड कस्टडी की भी बात करता है, वो डाउरी की भी बात करता है, तो फैमिली लॉ जो है मैट्रिमोनियल रिलेशंस की बात कर रहा है, तो दैट इज़ द राइट टर्म फॉर इट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो किसके साथ सिमिलर है, वो ब्रिटिश क्वीन के सिमिलर है। इन इंडिया यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या है, यूनियन कैबिनेट का मतलब है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोठारी कमीशन किसके लिए आया था, कोठारी कमीशन आया था एजुकेशन के लिए। सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेकुलरिज्म है कि रिलीजन एक इंडिविजुअल का प्राइवेट कंसर्न है, बिल्कुल ठीक है। सिटीजन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये भी ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन प्रोपोगेट देयर फेथ, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो फॉर्म किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। सो पहली बार ये भी क्वेश्चन अलग से बनता है, जो एम एन रॉय हैं उन्होंने सबसे पहली बार 1934 में प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नेम ऑफ द कंट्री इज, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया दैट इज भारत। इसमें इन्होंने ऑप्शंस ही एक्चुअली गलत बनाए हुए हैं, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर। इसका आंसर ये बनेगा इंडिया दैट इज भारत, ऐसे ही एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, टर्म लिखना पड़ेगा, वही उसका सही नाम है। देखिए आर्टिकल वन क्या बोलता है, आर्टिकल वन बोलता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है यूनियन ऑफ इंडिया का, जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड है। लोअर हाउस की टर्म क्या होती है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा की टर्म क्या होती है, 5 ईयर्स होती है। एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज, जो कि अपील वाली ज्यूरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, वो कौन सी केसेस में हो सकती है, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी दिया गया है, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय इलेक्शन कमीशन, कौन सा फंक्शन इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, फिक्सिंग द डेट्स ऑफ इलेक्शन बिल्कुल है, मेंटेनिंग फेयरनेस इन द इलेक्शन बिल्कुल है, अलॉटमेंट ऑफ पार्टी सिंबल्स बिल्कुल है, डिसीजन ऑफ केसेज वेयर इलेक्शन ऑफ राइवल और अपोनेंट हैज बीन चैलेंज्ड, ये नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि ये उस समय यूज की जाती है जब हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। हु हैज पावर टू समन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कौन समन कर सकता है मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन इंडिया सिटीजनशिप इज लॉस्ट बाय, इंडिया में सिटीजनशिप कैसे लूज की जा सकती है, रेनन्सिएशन से भी की जा सकती है, डेप्रिवेशन से भी की जा सकती है, टर्मिनेशन से भी की जा सकती है। सो ऑल ऑफ दीज इज दी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, कौन सी यूटीज के पास अपना हाई कोर्ट है, सिर्फ दिल्ली है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। द एविडेंस अनअर्थ बाय पुलिस स्निफर डॉग, जो पुलिस के पास डॉग होते हैं बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए या कोई एविडेंस डिटेक्ट करने के लिए, उनको स्निफर डॉग्स बोला जाता है। तो जो वो एविडेंस ढूंढते हैं उनको साइंटिफिक एविडेंस बोला जाता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट लॉ इन इंडिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा और स्टेट लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एजुकेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। हु इज दिस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया, उस समय का हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, आज का कौन है देख लेते हैं। मिस्टर हीरालाल सिमरिया जो हैं वो इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। वज्रपति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सो वज्रपति पुरस्कार जो है इंस्टीट्यूट बाय द के बिरला फाउंडेशन 1992 इज गिवन टू ऑनर अ राइटर्स वर्क इन संस्कृत पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, तो संस्कृत वर्क्स के लिए दिया जाता है। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स आर फाउंड ऑन सी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये आपको उड़ीसा के कोस्ट पर मिलते हैं। इसीलिए मैंने इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है, ये टर्म बहुत ज़रूरी है। गहिरमठ मरीन सेंचुरी में
इनकी नेस्टिंग होती है जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क का पार्ट है। तो जो इनकी जो मास नेस्टिंग होती है उसको अरीबाडा बोलते हैं। इन दोनों तीनों में से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस। एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड इन द 8th शेड्यूल एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब जो है अब कितनी एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं, 4 एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं, तो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इस समय। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट। ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है बॉम्बे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ यूपी। उस समय का हमें याद नहीं रखना है, आज का देखते हैं हम। गवर्नर ऑफ यूपी आज की डेट में है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। गवर्नर ऑफ पंजाब है श्री बनवारी लाल पुरोहित। और गवर्नर ऑफ हरियाणा है श्री भंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द पेजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी उन्होंने बनाई थी। द इंडिपेंडेंट, द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तीनों ही उन्होंने बनाई थी। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वाई बी रेड्डी। अभी लेकिन हमें 15th का याद रखना है क्योंकि इस बार 15th का क्वेश्चन बनेगा, वो है श्री एनके सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लें। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। उस समय मणिपुर इलेक्शंस हुए थे 2017 में, इसलिए क्वेश्चन बना था। लेकिन आज की डेट में भी वो सेम चीफ मिनिस्टर ही हैं, एन बीरेन सिंह जो हैं वो मिनिस्टर सीएम है मणिपुर के। इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, रेलिवेंट नहीं है, आगे चलो। Which Indian state has introduced compulsory gender education at the graduation level? कौन सी स्टेट ने compulsory gender education कर दी है graduation में, वो है तेलंगाना। Recently passed Hindu marriage bill by Pakistan, कौन सी जगह पर applicable नहीं है, ये भी current affair का question था उस साल, तो आज के लिए relevant नहीं है, आगे चलो। Third G20 framework working group was held in, ये भी relevant नहीं है, आगे चलो। Which one of the following is not a tributary of river Ganga? सोन उसकी tributary है गंगा की, महानदी भी है, शारदा भी है। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा की है, सो सी इज द राइट आंसर। सो तीस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। जो मंजूषा पेंटिंग अब बिहार में मिलती है बिल्कुल ठीक है, पेतकर पेंटिंग झारखंड में मिलती है बिल्कुल ठीक है, पतुआ आर्ट बंगाल में मिलती है भी ठीक है, थंका पेंटिंग असम में नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है, ये मणिपुर में मोस्टली मिलती है आपको। ठीक है, मणिपुर के साथ साथ सिक्किम में, हिमाचल में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, तो सिक्किम जो है इसका मेन है, उसके अलावा ये सारी स्टेट्स में भी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स मीन स्टोरी प्ले, इनमें से कौन सी डांस फॉर्म को स्टोरी प्ले भी माना जाता बोला जाता है, वो है कथकली। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही है स्टोरी प्ले। द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस उस साल का हमारे लिए आज रेलिवेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उस साल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के देखते हैं कौन है। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं जो, वो आज के हमारे CVC हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। द एपिक शिल्पादिकरम रेफर्स टू, ये एक बहुत अच्छी तमिल में लिखी गई एपिक है जो कि जैन एलिमेंट्स को स्टोरी लाइन में मैंशन है इसके कुछ। तो जो शिल्पादिकरम है ये लिटरल वर्क है तमिल में, जो कि तमिल पीपल को काफ़ी हाईली रिगार्ड करते हैं। ये लिखी गई थी इलांगू अधिगल के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट होते रहते, इनका नाम भी आपको याद रखना है और शिल्पादिकरम का भी नाम आपको याद रखना है। सो विद दिस वी कम टू एंड फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड क्वेरीज डाउन बिलो, विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।